सो ही यू व्हाट इज़ अप गाइस, मैं आपका फेवरेट पॉकेट ट्यूबर देंडन ग्रिंज, और आज हमारी वीडियो में हमारा साथ देंगे एनिमी असेंबल भाई, जिनका हम इंटरव्यू लेंगे इस वीडियो में। तो आप भी उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए कुछ उनकी बातें। हेलो गाइस, मैं हूं एनिमे असेंबल और आज मैं आया हूं इंडियन ग्रीन निंजा के चैनल पे एक इंटरव्यू देने। तो इस वीडियो को लाइक करो, इंडियन ग्रीन निंजा को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। तो जैसा कि आप लोगों ने सुनी ली उनकी आवाज़, आज की वीडियो में हम उनका इंटरव्यू लेंगे। तब तक हमारे बंटी और बबली इंट्रो उठाएंगे। और बंटी बबलू आ जाओ। अरे बंटी बबलू कहाँ गए? अरे अरे कहाँ हो? अबे आ रही हूँ। अबे कहाँ हो ये तो बता दो। अबे स्टॉम के पास हूँ। स्टॉम वो तो एनिमी असेंबल भाई का पोके पैट है। तो वो आए तो उनका पोके पेट भी तो आएगा, पीछे पीछे भाग के आया, उनके साथ बात कर रहे हैं हम दोनों। चल भाई मैं जा खुद उठा ले इंट्रो, आज गुस्से दिलाती है तूने, मैं नहीं उठाएंगे तेरा इंट्रो। जा चल चल ठीक है, मैं खुद ही उठा लेता हूँ आज इंट्रो, तुम भी मजे मारो खुद आज। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ योर इंस्पिरेशन, जिससे इंस्पायर होके आपने पोकेमोन या अदर एनिमीज की वीडियो डालना स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि मेरी इंस्पिरेशन कौन है। तो मेरी इंस्पिरेशन है पोकेमोन और आरजे एनिमे इंडिया। आरजे एनिमे इंडिया का वीडियो देखा था तब पोकेमोन वीडियो बनाना चालू किया, और वैसे तो इंस्पिरेशन पोकेमोन भी है, तो यही दोनों है मेरी इंस्पिरेशन। तो बस सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर रियल नेम, और आपकी क्लास क्या है, किस क्लास में हो आप? मेरा रियल नेम और क्लास, मेरा रियल नेम है मयंक और मैं क्लास 9th में हूँ, और मेरे एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो गए हैं लगभग, और फिर मैं 10th में जाऊँगा अभी, और एज है 14 ईयर्स, 14। और थर्ड क्वेश्चन है कि आपकी कोई जीएफ है या थी या है ही नहीं या बनाई ही नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है जीएफ, कोई नहीं है, मैं ये सब काम ही नहीं करता पहली बार। फोर्थ क्वेश्चन है कि आप फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, कि आगे बढ़कर क्या करना है, यूट्यूब को ही कंटिन्यू रखोगे क्या? फ्यूचर प्लान बहुत सारे हैं, और हम लोग मीटअप वगैरह करेंगे जब और ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और फ्यूचर प्लान बहुत है। सेकंड चैनल भी अभी खोल लिया है, माय अल्टीमेट गैलेक्सी, तो उस पर भी बहुत कुछ आने वाला है, तो उस पर भी स्टे ट्यून रहना। और एनिमे असेंबल तो अपना है ही, उस पर तो इतना कुछ आएगा कि अभी क्या बताऊँ मैं, सब कुछ सीक्रेट है, सीक्रेटली काम चल रहा है, तबाही वाली वीडियो आएंगी। और आप सबको तो पता है मेरी तबाही वाली वीडियो कैसी होती है, तो बताने की तो ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपने कभी भी मन में आया है कि यूट्यूब को आप छोड़ देना चाहिए, इस पे ज़्यादा स्कोप नहीं है, कभी भी सोचा है यूट्यूब क्विट करने की? यूट्यूब क्विट करने का सोचा है, अचानक से मेरी ऑडियंस गायब हो गई थी, तो अभी थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, और बीच में बहुत कम व्यू आए थे तो सोचा क्विट कर लूँ, पर नहीं, व्यू 2 व्यू या 3 व्यू भी क्यों ना, मैं क्विट नहीं करूँगा, इतना आगे क्विट करने के लिए नहीं आया हूँ मैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि आप जो न्यू न्यू पॉकेट ट्यूबर आते हैं उनसे क्या कहना चाहोगे, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहोगे आप उनसे? न्यू पॉकेट यूबर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, अपनी वॉइस इंप्रूव करो, वॉइस ज़्यादा अच्छी, एडिटिंग थोड़ी बहुत भी होगी ना तो भी चल जाएगा, पर वॉइस में दम होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस लाओ, जोश से बोलो, तो फिर सब कुछ सही रहेगा। सेवेंथ क्वेश्चन है कि आपने एक बार कहा था, अपने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था कई बार, कि अल्टीमेट हकाई भाई ने कहा है कि पोकेमोन की न्यू एपिसोड जो हैं फेब से स्टार्ट हो जाएंगे, मगर अभी तक कोई भी एपिसोड स्टार्ट नहीं हुआ है और डिज्नी एचडी प्लस भी लॉन्च नहीं हुआ, क्या है उसके पीछे रीज़न, हमें बताइए। फेब्रुवरी से मुझे एक सोर्स के हिसाब से पता चला था न्यू एपिसोड आएंगे, पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि डिज्नी इंडिया जो है अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, और समर में चांसेस हैं थोड़े बहुत ब्लैक एंड वाइट के, तो समर का ही अभी हम लोग को लग रहा है, तो समर का वेट करते हैं फिर। एट्थ क्वेश्चन है जो आप पोके आर्टिस्ट जो कि डबर्स होते हैं पोके एनिमी के, उनके जो इंटरव्यू लेते हैं तो क्या वो आपसे फीस लेते हैं या नहीं? वॉइस आर्टिस्ट का इंटरव्यू मैं लेता हूँ तो क्या वो फीस लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, फीस नहीं लेते वो लोग,
और इंटरव्यू ले चुका हूँ मैं 2 के, तो वो जाके देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। और हमारे इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है कि फेस कब रिवील करोगे भाई, फेस रिवील कब करोगे हमें बता दो, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दो हमें कब करोगे फेस रिवील। ब्रो फेस रिवील मैं सोच रहा हूँ 10K पे कर दूँ, पर कंफर्म नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा सेटअप जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो कर देंगे अच्छे से एकदम फेस रिवील, या फिर बाद में कभी करेंगे 50K पे, तो देखते हैं जैसा पॉसिबल होगा। और हाँ, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू, और इंडियन ग्रीन निंजा को सब्सक्राइब करो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच इंडियन ग्रीन निंजा फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू। चल टाटा बाय बाय स्टॉप, बाद में आएंगे, कभी बाद में मिलेंगे, कभी हम तेरे चैनल पे आएंगे तो कभी तू हमारे चैनल पे, ऐसे मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है, टाटा बाय बाय। अरे किससे बात कर रहा है, स्टॉप से कर लिया हूँ। क्यों जा रहा है वो? क्यों जा रहा है, अभी तो आया था वो। अरे पागल छिले हुए अंडे आईने में असेंबल को भेज दिया फिर तूने, वो भी रुक जाता। अरे वो तो आते जाते रहेंगे अपने चैनल पे, तू क्यों चिंता कर रहा है। तो आज के इंटरव्यू में बस इतना ही है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। कोई ये थी हमारी एक स्पेशल वीडियो, जिसका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि एक स्पेशल वीडियो आने वाली है। और प्लीज़ यार सपोर्ट करना हमारी वीडियोज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। और जैसा कि एनमी असेंबल भाई ने कहा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ बनाने में। थैंक यू एंड बाय बाय।